अस्पताल स्टाफ ने नम आंखों से बच्ची को सौंपा। कलयुगी परिजनों ने दुधमुही बच्ची को झाड़ियों में फेंका। लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। एक सप्ताह तक नवजात रही अस्पताल में। बच्ची को अस्पताल से छिंदवाड़ा शिशु गृह भेजा। नम आंखों से स्टाफ ने दी विदाई। बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है। पुलिस मामला दर्ज कर जुटी है जांच पड़ताल में। बच्ची को गोद लेने के लिए उठे दो दर्जन भर से अधिक हाथ, लेकिन गोद लेने की प्रक्रिया है काफी जटिल। बीते एक सप्ताह पूर्व एक दो माह की नवजात बच्ची को कलयुगी परिजन सिविल लाइन के एक ग्राउंड की झाड़ियों में लावारिस हालत में फेंक कर चले गए। ठंड भरी सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे लोगों की नजर इस पर पड़ी और नवजात को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है। तो सौंसर पुलिस ने भी अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जाँच पड़ताल में जुट चुकी है। नवजात की मदद के लिए क्षेत्र के लोग खुले दिल से सामने आ रहे हैं। नवजात के लिए कपड़े व न्यूट्रिशन आदि की व्यवस्था की जाने लगी है। लगभग एक सप्ताह बाद अस्पताल के स्टाफ ने नम आंखों से विदाई देते हुए छिंदवाड़ा शिशु गृह को सौंपा। वहीं अब नवजात को गोद लेने के लिए दो दर्जन भर से अधिक लोगों के फोन आ चुके हैं, किंतु गोद लेने की प्रक्रिया जटिल होने के कारण कोई गोद नहीं ले पा रहा है। जिन्हें गोद लेना है वो छिंदवाड़ा आवेदन लगा रहे हैं। देखना है अब नवजात का ये मामला आगे क्या मोड़ लेता है। खबर 24 एक्सप्रेस के लिए संवाददाता धीरज सिंह चंदेल की ये रिपोर्ट। मामला था बताइए। 24/11/2024 को सुबह सुबह सोसर के जो राठी जिनेंगे उसके पास में ये नवजात शिशु की सूचना मिली, तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। हॉस्पिटल में उसका इलाज चला। अस्पताल में करीब 7 दिन रही वो, और आज शिशु छिंदवाड़ा से शिशु टीम आई हुई है, वो आज लेकर के जा रही है। उनको डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब की पूरी टीम उनको बच्ची को सौंप रही है, और वहाँ वो बच्ची आगे जैसा भी जो शासन की स्कीम हो, सिस्टम हो, तरीका हो, उस पर वो वहाँ रहेगी। जो नवजात शिशु है जी। आपको आज हॉस्पिटल के द्वारा हैंड ओवर किया जा रहा है जी। तो क्या प्रोसेस है उसकी, और आगे यदि कोई लेना चाह रहा है इसको गोद, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? इसको ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन इनको आवेदन करना पड़ेगा जिनको भी बच्चा लेना है। अच्छा। इसके अलावा उनको महिला बाल विकास से भी कांटेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा। अभी आप लोग कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? अभी हम शिशु गृह लेके जा रहे हैं इसको। शिशु गृह छिंदवाड़ा? हाँ, छिंदवाड़ा। तो अभी आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए कम्प्लीट? हाँ, पूरे डॉक्यूमेंट कम्प्लीट हो गए। क्या नाम है? विनीता कुशवाहा। क्या पद पे? मैं सामाजिक कार्यकर्ता। एक नवजात को अस्पताल में लाया गया था लावारिस हालत में, तो क्या मामला था और किस प्रकार यहाँ उसका देख रेख हुई? 7 दिन पहले एक नवजात शिशु आया था, 1.5 से 2 महीने की बच्ची, जिसका हमने 7 दिन तक के अच्छा ट्रीटमेंट किया, और अपनी बच्ची की तरह हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ ने रखा उनको। इस बीच में कई लोग आए जो उनको गोद लेना चाहते थे, तो हमने प्रक्रिया के लिए जो बाल गृह से लोग आए हैं उनसे कॉन्टेक्ट करने उनको बोला है। अभी किस प्रकार का वातावरण, ऐसा लग रहा है कि जो सब लोगों की आंखें भी नम दिखाई दे रही, तो हम लोगों को काफी दुख हो रहा है, पूरे स्टाफ को, एक बच्ची अपनी विदा कर रहा है। आपके यहाँ कितने दिन से एक बालिका आई हुई थी, कितने दिन लगभग यहाँ रही और किस प्रकार का यहाँ वातावरण था बताइए? हमारे पास ये बच्ची मिली है, ये हमारे पास 7 दिन से है। हम लोगों ने इसकी सेवा बहुत अच्छे से की है। अब हमें दुख लग रहा है कि ये बच्ची जा रही है। ये हमको इनसे बहुत अच्छा लगाव हो गया था। अच्छा। कितने दिन लगभग अपने यहाँ रही है? 7 दिन रही है बेटा। और किस प्रकार का यहाँ इलाज किया उसका? इलाज ने हम लोगों ने उसका नहाना धोने से लेकर उसकी फीडिंग तक का कार्य किया, जिससे अच्छा। आज बच्ची 2 किलो 750 ग्राम हो गई है। अच्छा। अभी पूरी तरह स्वस्थ है? पूर्ण तरह स्वस्थ है। और ये शिशु गृह से लोग आए हैं, इनको हम आज हैंड ओवर कर रहे हैं।